रुक छुक तो नहीं करते हैं, जैसा पुलिस सब जो है कुछ नहीं बोलता हम लोग को, कुछ नहीं बोलता कोई। अच्छा अगर पकड़ता है भी तो क्या बोलते हैं आप लोग जो छोड़ दिया जाता है? डायमंड का एंट्री चलता है अभी, वही है डायमंड का एंट्री चलता है अभी। डायमंड क्या आपको पता है? मालूम नहीं, मतलब डायमंड का नाम बोलते हैं और पुलिस अधिकारी छोड़ दिया जाता है गाड़ी। किशनगंज में इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर दिन दहाड़े प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है एंट्री माफिया का अवैध खेल। एंट्री माफिया अधिकारी से मिली भगत कर हाईटेक तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल और गुप्त कोड का इस्तेमाल कर ओवरलोडेड वाहनों को किशनगंज जिला पार करवाने के नाम पर ट्रक चालकों से करते हैं अवैध उगाही। ऐसे ट्रक चालकों में लोडेड सामानों को लेकर किसी प्रकार का कागजात नहीं होते हैं, न तो खनन विभाग को रॉयल्टी दिया जाता है और न ही किसी प्रकार का सरकार को टैक्स, जिससे राज्य सरकार को लग रहा है प्रतिदिन लाखों का चूना। ठाकुरगंज प्रखंड के ग्रामीणों ने बंगाल नंबर की एक ओवरलोडेड हाइबा ट्रक को पकड़कर ठाकुरगंज थाने के हवाले किया। पकड़े गए ट्रक के ड्राइवर ने खुलासा किया कि उन्हें डायमंड नामक गुप्त कोड एंट्री माफिया के द्वारा दिया गया है। अधिकारी पकड़ने पर इस कोड का नाम बताने से छोड़ दिया जाता है। कोई भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि एंट्री माफिया राजस्व राजमार्ग पर काफ़ी सक्रिय हैं, जिसके मार्फत राष्ट्र विरोधी गतिविधि संलिप्त तो हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाय तस्करी और बालू का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये इलाका सीमावर्ती जिला है, बालू की आड़ में उसके अंदर कुछ भी छिपा कर लाया जा सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेक पोस्ट का निर्माण कर हर एक वाहनों की कड़ी से कड़ी जांच किया जाए तथा एंट्री माफियाओं को चिन्हित कर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। वही मामले को लेकर जिला पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर जांच करने का जिम्मा दिया गया है। समय समय पर वाहनों को पकड़कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर एंट्री माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा, जल्द ही वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये ओवरलोडेड वाहनों का जाँच इधर बराबर किया जाता रहा है, कल भी कई वाहन को जब्त किया गया है और जो आपके द्वारा जो सूचना दी गई है ठाकुरगंज थाना में, उसके लिए माइनिंग इंस्पेक्टर कल गया था और सीजर लिस्ट बना दिया गया है। उसको जो विधिवत फाइन होता है उसको किया जाएगा और डीटीओ को भी बोल दिया गया है, अभी डीटीओ भी जा रहा है, उसको जो ओवरलोड का फाइन होगा या जो गाड़ी का फाइन होता है वो किया जाएगा। संगठन में चारों ओर केंद्रीय योजनाओं की सड़क बन रही है और ऐसे सड़क निर्माण में किसी भी तरह का ओवरलोडिंग अगर बाधा पड़ेगा तो भाजपा के नाते उसका कड़ा विरोध दर्ज किया जाएगा। कल भी लगातार चल रहा था, ये कोई कोड बता रहा है डायमंड कोड, इस नाम के बोलने से पुलिस नहीं पकड़ेगा या फिर कोई अधिकारी नहीं पकड़ेगा, एंट्री माफिया सक्रिय है पूरी तरीके से? नहीं बिल्कुल, एंट्री माफिया सक्रिय है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि यहाँ पे संलिप्त हो रहा है। ये ट्रक के ऊपर बालू ऊपर नीचे क्या जा रहा है यह भी जांच का विषय है। गोरू तस्करी हो रही है, खुलेआम कई राष्ट्र विरोधी गतिविधि का यहाँ पे आवागमन होता है। हम जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे और उच्च स्तर से भी बात करेंगे, निश्चित रूप से चेक पोस्ट पे कड़ी चेक नाकाबंदी होनी चाहिए और ऐसे जो भी एंट्री का खेल में संलिप्त है ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अच्छा इतना जो ओवरलोड चलाते हैं किसके सारे पे चलाते हैं आप लोग? अरे हम लोगों को तो उतना नहीं है, नहीं पता है लेकिन एंट्री क्या हुआ है, एंट्री का वजह से हम लोग चल रहा है। क्या नाम है एंट्री का? डायमंड का। डायमंड, ऐसे डायमंड है क्या, कौन है डायमंड? उतना मालूम नहीं है। अच्छा रोड पर जो आप लोग चलते हैं तो कोई भी पुलिस के या पुलिस का पदाधिकारी हो के बड़े पदाधिकारी हो इतना ओवरलोड वाहन चलाते हैं, कोई आप लोगों को रोक टोक नहीं करता है? नहीं रोक टोक तो नहीं करते हैं, जैसा पुलिस सब जो है कुछ नहीं बोलता हम लोग को, कुछ नहीं बोलता कोई। अच्छा अगर पकड़ता भी तो क्या बोलते हैं आप लोग जो छोड़ दिया जाता है? डायमंड का एंट्री चलता है अभी, वही है डायमंड का एंट्री चलता है अभी। डायमंड क्या आपको पता है? मालूम नहीं, मतलब डायमंड